एक बार ये हेडलाइन पढ़ो, कॉपिंग आईफोन फीचर्स हेल्प्ड ऑनर डबल देयर सेल्स बाय 103%। बेसिकली 21 दिनों में पैसा डबल। OnePlus के सीईओ की ये स्टेटमेंट पढ़ो, दे आर कॉपिंग एप्पल बिकॉज दिस मेक्स इट इजियर फॉर यूजर्स टू ट्रांजिशन टू देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम एप्पल। अल्टीमेटली एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स को काफी प्रॉफिट होता है जब वो एप्पल से कॉपी करते हैं। अब ये एक तरीका है सिचुएशन को देखने का, बट आई डोंट थिंक ये सही तरीका है। एंड इस पे कंक्लूजन डिराइव करने से पहले हमें ये देखना होगा कि दोनों का एक दूसरे को कॉपी करने का मोटिव क्या है, यानी कि इस कॉपी पेस्ट को एप्पल कैसे देखता है और एंड्रॉइड कैसे देखता है। तो चलो फिर चीटर चीटर खेलते हैं और देखते हैं कि पहले चीटिंग करता कौन है। तो आपने ये कितनी बार होते देखा है कि एंड्रॉइड में एक फीचर आया और नेक्स्ट ईयर वही सेम फीचर आईफोन में आ गया हो। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट आपने कितनी बार होते देखा है कि आईफोन में अगर कोई फीचर आया तो एंड्रॉइड उसको 3 या 4 महीने के अंदर अंदर रेप्लिकेट कर देता है। दूसरी स्टेटमेंट थोड़ी सी ज्यादा फेमिलियर लग रही है। अब प्रूफ्स के लिए थोड़ा पास्ट में चल के देखते हैं। विजेट्स एंड्रॉइड में कब से हैं? जन्मों से। और आईफोन में कब आया? iOS 14 के अंदर। कोई बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ। तो क्या एप्पल ने विजेट्स एंड्रॉइड से कॉपी करें? हाँ बिल्कुल करें। जेस्चर नेविगेशन सबसे पहले आया आईफोन 10 में। कौन से ईयर में? 2017 में। और एंड्रॉइड में कब आया? जस्ट उसके नेक्स्ट एंड्रॉइड वर्जन में। ऐप ड्रॉअर एंड्रॉइड में कब से है? जन्मों से। आईफोन में कब आया? iOS 14 के अंदर। नाइट लाइट, वो जो शाम होते ही स्क्रीन को थोड़ा येलो कर देती है, तो ये चीज पहले आई थी आईफोन्स के अंदर। iOS 9.3 मार्च 2016। और एंड्रॉइड में कब आई? जस्ट नेक्स्ट एंड्रॉइड वर्जन, एंड्रॉइड 8 के अंदर। और हमारे पास ऐसे ही काउंटलेस और भी एग्जांपल्स हैं जिनको देख के आप क्लियरली समझ सकते हो दैट एंड्रॉइड टेक्स मिनट्स टू कॉपी एप्पल। लेकिन एप्पल के केस में ऐसा नहीं है। दैट मींस एंड्रॉइड जब कोई नया फीचर देता है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, एप्पल उसको इंस्टेंटली कॉपी नहीं करता। पीपल थिंक दैट दिस इज एप्पल्स ईगो, बट दैट्स नॉट द केस। दिस इज मोर ऑफ अ बिजनेस चॉइस। तो एप्पल ऐसा क्यों नहीं करता, ये चीज समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एंड्रॉइड ऐसा क्यों करता है, और बेटर से एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स ऐसा क्यों करते हैं। बिकॉज एप्पल जैसा दिखना गोल नहीं है, गोल हमेशा से पैसा ही रहा है। बट इसको डिस्कस करने से पहले ये चीज क्लियर है कि iOS आईफोन को स्पेशल बनाने के साथ साथ महंगा भी बनाता है। पर अगर आपको इस महंगाई से बचना है तो फिलहाल जो Amazon और Flipkart पे सेल चल रही है उसके डिस्काउंट के ऊपर आप और पैसे बचा सकते हो यूजिंग कैश करो। मुझे पर्सनली कैश करो को यूज करते हुए 3-4 साल हो चुके हैं एंड मैंने इससे काफी पैसे सेव करे। कैश करो इंडिया की लार्जेस्ट कैशबैक साइट है, जहां आपको Amazon और Flipkart से लेके 1500+ वेबसाइट्स के ऊपर शॉपिंग करने पे कैशबैक मिलता है। और इस कैशबैक को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हो। ये एकदम ट्रस्टेड ऐप है क्योंकि इन्हें खुद श्री रतन टाटा जी ने फंड किया हुआ है। इंस्टॉलेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड कर लो, या फिर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके अगर आप PDR25 कोड यूज करोगे तो दोनों ही तरीकों से आपको इंस्टेंट 25 रुपीज का साइन अप बोनस भी मिलेगा। बस याद रखना, ये बोनस सिर्फ 15 डेज के लिए ही वैलिड है। अब जिस रिटेलर से शॉपिंग करनी है उसको सर्च करो और एक्टिवेट कैशबैक बटन पे क्लिक कर दो। कैश करो आपको उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा, वहां जाके आप नॉर्मली शॉपिंग करो और उसके बाद आपका कैशबैक कैश करो के माई अर्निंग सेक्शन के अंदर ट्रैक हो जाएगा। इस कैशबैक को आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लो या Amazon गिफ्ट वाउचर रिडीम कर लो। तो इंस्टॉल करो और जबरदस्त सेविंग करो। तो अब हम हमारी स्टोरी पे वापस आते हैं कि एप्पल आखिर पहले कॉपी क्यों नहीं करता। इस पे बात करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एंड्रॉइड ऐसा क्यों करता है, और बेटर से एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स ऐसा क्यों करते हैं। तो देखो, अगर गूगल ने एंड्रॉइड के अंदर कोई फीचर डाला है तो वो नेक्स्ट मेजर एंड्रॉइड अपडेट में सारे फोन्स के अंदर आ जाएगा, यानी कि सिस्टम वाइड ये फीचर कॉपी हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एंड्रॉइड फोन्स को बनाने वाली कंपनीज भी तो हैं जो बीच में आती हैं, तो वो अपनी स्किन्स लगाती हैं एंड्रॉइड के ऊपर, तो उससे भी तो फर्क पड़ता है। तो एंड्रॉइड को कैसा दिखाना है ये चीज तो इंडिविजुअल ब्रांड्स के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले तक वीवो की UI काफी ज्यादा सिमिलर थी iOS से, उसके आइकन से लेके सेटिंग्स तक सब कुछ डिट्टो कॉपी था। एंड आज भी बहुत से फोन ऐसे हैं जिसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो आईफोन जैसा लगता है। और इसके पीछे ये रीजन बिल्कुल भी नहीं है कि जो चीज एप्पल को पसंद है वो हम भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। जब भी आप पुराने वीवो के वर्जन्स या फिर पुराने MIUI के वर्जन्स को देखते थे, आप उसको क्लियर बोलते थे कि एप्पल की कॉपी या फिर सस्ता एप्पल, व्हाटएवर। और ये बुलवाना ही उनका एम भी है, और इसके पीछे भी एक बिजनेस मॉडल है, और वो मॉडल बड़ा ही सिंपल है। कंपनीज ये चीज ये सोच के करती हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो नंबर वन, लोगों को सस्ते में प्रीमियम फील होगा, तो जिसके पास आईफोन लेने के पैसे नहीं है वो हमारा फोन ले लेगा। एंड सेकेंडली, जस्ट इन केस कोई यूजर आईफोन से एंड्रॉइड पे स्विच कर रहा है तो उसको नया नया नहीं लगना चाहिए, उसके लिए वो एक्सपीरियंस सिमिलर ही रहे, जस्ट इन केस अगर कोई करना चाहता हो तो। अब हो सकता है आपको मेरी ये बात पुरानी और फालतू लग रही हो, क्योंकि मैंने ये बात कही ही नहीं, ये पीट लाओ ने कही है। हाँ, वो काल पे के सो कॉल्ड दोस्त और OnePlus के सीईओ
उन्होंने, उनके वर्ड्स हैं, दे आर डूइंग इट फॉर reasons ऑफ थिंकिंग दैट इट मेक्स इट easier फॉर यूजर्स टू ट्रांजिशन टू their प्रोडक्ट्स फ्रॉम एप्पल एंड फाइंड द एक्सपीरियंस टू बी सिमिलर। और अगर आपको somehow पीट लाओ की बात भी फालतू लग रही है, ये हेडलाइन दोबारा पढ़ लो, कॉपिंग आईफोन फीचर्स हेल्प्ड ऑनर डबल देयर सेल्स। ये बात है चाइना की और ये रिसर्च भी काउंटर पॉइंट ने करी है, तो ये फेक नहीं है। एंड ये स्टेटमेंट पढ़ के मेरा दिमाग चकरा गया था, क्योंकि सिर्फ कॉपी करके आप 103% की सेल्स इंक्रीज कर लेते हो। तो काउंटर पॉइंट के हिसाब से ऑनर ने सिर्फ दो चीजें उठाई थी, 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले और फेशियल रिकॉग्निशन। हाँ, मेरे को मालूम है 120 हर्ट्ज एंड्रॉइड का फीचर है, आईफोन का नहीं है, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शायद ये लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि चाइना में 120 हर्ट्ज फेमस तब हुआ होगा जब वो आईपैड वगैरह में आया था। दैट इज द रीजन ये लोग कह रहे हैं कि 120 हर्ट्ज ऑनर ने एप्पल से कॉपी करा है। बट इस पॉइंट पे काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए एप्पल को इंस्टेंटली कॉपी करना एक मजबूरी है, ताकि वो मार्केट के अंदर टिक सकें। फॉर एग्जांपल, अगर एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स नॉच कॉपी नहीं करते तो एंड्रॉइड फोन्स आउटडेटेड लगने लगते हैं। सैमसंग इकलौता था जिसने नॉच कॉपी नहीं करी, लेकिन फिर वो अपना कुछ बेहतर पंच होल लेके आए जो कि चला भी। सो कंपनीज एट द एंड वही कर रही हैं जो कस्टमर्स को चाहिए। आप और हम मिलके उनको गाली नहीं निकाल सकते कि तुम लोग कॉपी क्यों कर रहे हो। हर कंपनी हर तरीके से इनोवेटिव हो ये जरूरी नहीं है, बहुत से लोग गलत कामों से भी नंबर वन बन जाते हैं। मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो कंपनीज जब एप्पल को कॉपी करती हैं, इट लुक शेमफुल बट इट ड्राइव सेल्स एंड दैट्स व्हाट मैटर्स एट द एंड। बट नाउ लेट्स फ्लिप द कॉइन, एप्पल की साइड को देखते हैं, क्योंकि कॉपी तो देखो एप्पल भी करता है, और करता वो भी बिजनेस के लिए है, बस उसका तरीका बहुत अलग है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लोग जनरली कस्टमाइजेशन के लिए लड़ाइयां करते रहते हैं कि आईफोन्स को आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, बेसिकली iOS इज बोरिंग, विच आई डेफिनेटली अग्री। अब जो भी लोग ये लड़ाइयां करते हैं, ये कौन है? टेक एंथुजियास्ट ही तो है। आपने कभी देखा है अपने पापा को ऐसे कहते हुए कि यार काश ये आइकन थोड़ा और लाल होता तो फोन चलाने का एक्सपीरियंस क्या सही निखर के बाहर आता? मैंने तो कभी नहीं सुना, आपने सुना है तो पता नहीं। तो अब आप खुद सोचो, आपका एक प्रोडक्ट है जिसे दुनिया भर के लोग यूज करते हैं, लाइक इट्स द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ ऑल टाइम, तो उन मिलियन लोगों में से 0.05% लोग जिनको कस्टमाइजेशन चाहिए, क्या आपको उनसे 1% भी फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो बाकी के 99.95% लोग हैं, उनके लिए ये फीचर मैटर नहीं करता। तो अब आप क्या करोगे? बहुत सिंपल चॉइस है, आप वो 0.05% लोगों को इग्नोर कर दोगे, क्योंकि बिजनेस के लिए वही बेस्ट डिसीजन है। और आप ये लॉजिक कहीं भी चिपका सकते हो, एप्पल ने अगर कोई फीचर नहीं दिया या बहुत लेट जाके दिया तो उसके पीछे सिर्फ ये एक वजह है कि उन्हें अपने कस्टमर का पता है, उन्हें पता है कि उस कस्टमर को किस चीज से कितना फर्क पड़ेगा। एप्पल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम और आप ये बोलें कि आईफोन 14 तो 13 जैसा है, 13 तो 12 जैसा है, 12 तो 11 जैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिनको भी ये लगता है कि ये सब करके एप्पल फेलियर की तरफ मूव कर रहा है, तो उनको अपने फैक्ट्स थोड़े से ठीक कर लेने चाहिए, क्योंकि वो अपने कस्टमर्स और अपने प्रॉफिट को देखते हुए बेस्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं। और उनको ये भी बहुत अच्छे से आता है कि बेस्ट को बेचते कैसे हैं। इस बार कौन सा आईफोन बेस्ट है? प्रो मॉडल। लोग खरीदना कौन सा चाह रहे हैं? प्रो मॉडल। जिस चीज के लिए पहले लोग 60,000-70,000-80,000 देने को तैयार थे, अब लोग 1,20,000-30,000 देने को भी तैयार है। नॉन प्रो आईफोन को लेने की कोई बात भी नहीं कर रहा, इंडिया में तो क्या बाहर भी नहीं कर रहा, एवरीबॉडी इज लाइक प्रो आईफोन। तो उन्हें पूरी दुनिया में बेचना है, अंकल आंटी बाय योर मॉम एन आईफोन, सबके लिए बनाना है। और क्योंकि वाइड वैरायटी और एज ग्रुप के लोग उनके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो उन्हें अपने प्रोडक्ट को सिंपल रखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम एंथुजियास्ट के बबल से बाहर निकल के देखेंगे, तो हमें पता लगेगा कि बाहरी दुनिया को सिर्फ वो फोन चाहिए विच वर्क्स, एंड दैट्स व्हाट एप्पल डज, इट वर्क्स। बट इस कहानी में एक स्टेटमेंट और है जिसको अगर आप समझ पाओ तो कहानी और एक्साइटिंग हो जाती है। एंड द स्टेटमेंट इज, एंड्रॉइड इज ब्रेव बट एप्पल इज स्मार्ट, एंड व्हेन एप्पल इज ब्रेव एंड्रॉइड इज नॉट स्मार्ट एट ऑल। ट्विटर वालों, अब मैं बताता हूँ कि मैं 3-4 दिन पहले क्या कह रहा था। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, सबको पता चलता है कि कोई ना कोई नया टेक आया है मार्केट के अंदर, तो अब कंपनीज की चॉइस है कि वो उस पे काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और जो ब्रेव कंपनीज हैं, वो आगे आती हैं और कहती हैं चलो हम कोशिश करते हैं। एंड ब्रेव कौन है? सैमसंग। सैमी वॉज ब्रेव इनफ कि उन्होंने फोल्डेबल मैकेनिज्म को ट्राई किया और उनका पहला फोल्ड फेल भी हुआ, बट स्टिल उन्होंने कोशिश करी। एप्पल ये कभी नहीं कर सकता। रीजन, एप्पल साल में सिर्फ एक आईफोन सीरीज बनाता है
और सैमसंग साल में कितने फोन बनाता है इस चीज की गिनती भी नहीं है। तो सैमी का जो बिजनेस है वो उसके बाकी फोन संभाल लेंगे। एस सीरीज अभी भी है, वो काम तो कर ही रही है। तो सैमसंग के पास ये फ्रीडम है कि वो कुछ भी ट्राई कर सकता है, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल और उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उनको ये चीज करने की आजादी देता है। एप्पल का ये बिजनेस मॉडल ही नहीं है, वो अपनी एक सीरीज के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जस्ट इन केस वो एक्सपेरिमेंट खराब हुआ देन इट्स अ नाइटमेयर फॉर देम। तो एप्पल किसी भी टेक को तब यूज करेगा जब उसकी 3-4 जनरेशंस के बाद वो टेक रिलायबल हो जाएगा और एप्पल फिर उसे अपने हिसाब से परफेक्ट बना देगा। मतलब कि गाली कोई और खाएगा और हम उसे पढ़ने वाली गाली से सीख लेंगे, एंड दैट इज एब्सोल्युटली स्मार्ट। तो इस स्टेटमेंट का पहला पार्ट क्लियर हुआ। अब दूसरा पार्ट, When Apple is brave, Android is not smart at all. और Apple brave कब होता है? जब वो फीचर्स हटाता है। किसी में guts है कि वो हेडफोन जैक हटा दे, चार्जर्स हटा दे, USB-C पोर्ट ना दे, 120 Hz की डिस्प्ले ना दे। ये ब्रेवरी Apple के अलावा कोई और कर सकता है? नहीं। और उसके बाद इस सब पे गाली कौन सुनता है? Apple। और Android पहले तो इस चीज को क्रिटिसाइज करेगा, फिर कॉपी करके लोगों से दोबारा गाली सुनेगा। तो Android मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे स्मार्ट तो बिल्कुल नहीं हुए, ऊपर से आप उन्हें हिपोक्रेट जरूर बुला सकते हो। अब इतनी लंबी कहानी के बाद आपने अगर नोट कराओ तो चाहे Apple Android से कॉपी करे, चाहे Android Apple से कॉपी करे, इन द लॉन्ग रन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फोन्स में चार्जर नहीं मिलता, हेडफोन जैक नहीं मिलता, लेकिन अब कोई कुछ नहीं बोलता, सबने एडजस्ट कर लिया। किसी सिंगल कंपनी की सेल्स पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि अब लोगों को भी पता है कि नहीं मिलेगा और ब्रांड्स को भी पता है कि जनता चिल्ला के चुप हो जाएगी। तो उस 10-12 वर्ड्स की स्टेटमेंट के पीछे ये पूरी स्टोरी थी। लेकिन इस चीज से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि एप्पल एंड्रॉइड से ऐसे फीचर भी कॉपी कर सकता है जो उनकी मास ऑडियंस को सच में फायदा करेंगे। जैसे एप्पल का कॉल लॉग सिस्टम इज कम्प्लीटली ट्रैश और उसमें T9 डायलिंग भी नहीं मिलती, तो वो चीज एंड्रॉइड से उठाई जा सकती है। एक ऐसा फीचर और भी है, iOS का कीबोर्ड। इसकी सबसे घटिया चीज जो है कि अगर आपको टाइप करते हुए किसी वर्ड के बीच में जाना है, उस कर्सर को स्लाइड कर करके आराम आराम से लेके जाओ। इस चीज से मुझे लिटरली नफरत है। और नोटिफिकेशन सेंटर भी इस चीज का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। iOS का नोटिफिकेशन सेंटर इज मैं। अब एप्पल इन चीजों को फिक्स क्यों नहीं करता? क्योंकि उनके लिए ये चीजें मायने ही नहीं रखती। दे डोंट गिव अ फक अबाउट दिस। हाँ, नोटिफिकेशन सेंटर अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत अपडेट हो गया है। iOS 16 में वो लाइव नोटिफिकेशंस आती हैं, बट ओवरऑल इट्स स्टिल मैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एप्पल एंड्रॉइड से उठा सकता है और उससे iOS की सिंप्लिसिटी पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और वो बेटर भी बनेगा। अल्टीमेटली जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि कॉपी करने वाली चीज पे किसी के लिए भी हल्ला मत मचाया करो। आपको दोनों साइड्स के मजे लेने आने चाहिए। मैं तो ट्विटर पे यही करता रहता हूँ। बड़ा ही शेमलेस प्लग था, मुझे पता है, बट ठीक है, जो भी है। इस सब के साथ साथ कैश करो को चेकआउट करना मत भूलना। और अगर आप 15 अक्टूबर तक कैश करो से एक्सेस माई जोन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करोगे तो एक तो ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री रहेगा, एंड सेकेंडली आपको 1500 रुपीज का रिवॉर्ड अलग से मिलेगा। तो मेरी कहानी खत्म। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।